फ्रेंड्स, मैं नवीन मेहता आपको बताने जा रहा हूँ कि जो है ना ये IBE जो है ना 16 जो मई में ये मार्च में होने वाला था एग्जाम, वो उसका डेट एक्सटेंड हो गया है। और जो है ना ये कल जो है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में आ गया है। जो है ना अब न्यू रजिस्ट्री जो है ना एग्जामिनेशन जो है आप 25 अप्रैल को होगा। ये नया शेड्यूल जो है ना आपको मैं बता रहा हूँ, जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिंस मीन फ्रॉम जो है ना 26 दिसंबर, ये सेम है। बैंक पेमेंट थ्रू चालान स्टेटस फ्रॉम 26 दिसंबर 2020, ये है उसका। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज 22 मार्च 2021, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है ना क्लोजिंग डेट 22 मार्च है, और लास्ट डेट पेमेंट जो है ना 26 मार्च है। उसका लास्ट डेट फॉर्म कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च है। मीन्स जो है ना लास्ट डेट जो है इस फॉर्म का ऑनलाइन भरने का जो है ना 31 मार्च जो है। ऑनलाइन रिलीज एडमिट कार्ड जो है ना ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा 10 अप्रैल तक को जो है ना रिलीज हो जाएगी, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 25 अप्रैल हो गई है। जो है ना ये जो है ना ये शेड्यूल न्यू शेड्यूल है, रिवाइज शेड्यूल है जो है ना AIBE 16 एग्जामिनेशन 2021 का। लेकिन इसमें जो है ना काउंसिल जो है ना रिजर्व रखा अपना राइट, किसी भी अनएवॉर्डेबल सरकमस्टांसेस में जो फिर से डेट बढ़ सकती है। जो है ना अगर कोई इस तरह का रिक्वेस्ट होती है, कोई जजमेंट किसी तरह की रुकावट आती है, या एक कोरोना अभी चल का सिचुएशन है, इस तरह का भी अगर कुछ इश्यू होती है सिटी होते हैं, तो फिर ये डेट बढ़ सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिलेबस। अब देख रहे हैं जो है ना देखेंगे कि सिलेबस जो है ना AIBE 2021 में जो है ना 18 पेपर से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना 10 10 मार्क्स के 4 पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें CRPC से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंस्टिट्यूशन से जो है ना 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CPC से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैमिली लॉ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IPC से जो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलीफ जो है ना स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एविडेंस एक्ट से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो है ना लॉ ऑफ टॉर्ट मोटर व्हीकल्स कंज्यूमर एक्ट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट या आर्बिट्रेशन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टैक्सेशन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेबर लॉ इंडस्ट्रियल लॉ से जो है ना 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोफेशनल इथिक्स एंड केस ऑफ जो है ना मिसकंडक्ट अंडर ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PIL से जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से जो है ना 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनवायरमेंटल लॉ से जो है ना 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंड एंड एक्विजिशन एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह आप सिलेबस में देख रहे हैं कि जो ना सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना 4 पेपर का, यानी 40 मार्क्स जो है ना CRPC CPC कंस्टिट्यूशनल लॉ, उसके बाद फैमिली लॉ जो है ना, इससे जो 4 क्वेश्चन है एंड और जनरल के लिए इस एग्जाम को उनको क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। तो इसका मीनिंग होता है कि जो है ना अगर 4 पेपर किसी भी बंदे का जो है ना, किसी भी एप्लीकेंट का जो है ना, अगर बहुत अच्छे से तैयारी होती है, और इधर का सब्जेक्ट जो है ना 19 थोड़ी बहुत कम बेस भी होती है, तो इजी वे में एग्जाम पास किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही जो है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है नोटिफिकेशन निकाली थी कि जो है उसमें ओपन बुक एग्जाम नहीं होगी। ओपन बुक एग्जाम मीन्स आप किसी तरह का एग्जामिनेशन हॉल में जो है ना
बुक नहीं ले जा सकते हैं, किसी का नोट हैंड नोट नहीं ले जा सकते। हाँ, एक दिया हुआ है कि उस प्रोविजन है कि आप बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं, बेयर एक्ट केवल ही अप्रूवल एग्जाम में ले जाने के लिए। जो पहले की तरह के था कि आप अपना नोट्स ले जाते हैं ले जा सकते थे, किसी राइटर का बुक ले जा सकते थे, और किसी भी तरह का आपके पास नोट नोट था तो आप अपने स्टडी जो को जो करते थे वो ले जाते थे, तो वो उससे आपको बेनिफिट होते। आप क्या है क्या केवल आप बेयर एक्ट ही ले जा सकते हैं जो है ना, इसलिए जो है ना बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़िए। और जो है ना बेसिकली जो है ना सबसे कहना चाहूंगा कि जो है ना ये 4 पेपर जो है ना सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीपीसी एंड फैमिली लॉ, और जो है ना आईपीसी, अगर 48 ये आता है, 48 को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, और इधर जो है ना आपका तैयारी 40% भी रहता है, 50% भी रहता है, तो आप जो है ना इजी वे में एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में किसी तरह का भी जो है ना हेजिटेशन, किसी तरह का जो है ना नहीं होगा, किसी तरह का डाउट नहीं होगा कि एग्जाम क्लियर होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये फिफ्थ पेपर में जो है ना बहुत ज्यादा वेटेज है। 4 पेपर में 10 10 का है, 1 पेपर में जो है ना आईपीसी में जो है ना 8 मार्क्स का है, और ऊपर जो जितने भी लॉ स्टूडेंट होते हैं या लॉ लॉयर होते हैं, इस 4 पेपर पर ही ज्यादा जो है ना प्रैक्टिस एरिया रहता है इनका, तो इस प्रैक्टिस एरिया होने के कारण जो है ना या फिर स्टूडेंट होते हैं तो ज्यादा फोकस इस पे करते हैं। तो अगर इस पे फोकस आप किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही जो है ना इजी होगा पास करना। जो है ना आप देखते 48 ये होता है PIL, आज के समय में सभी को पता होता है क्या होता है PIL, तो 4 मार्क्स की ये है, 48 प्लस 52 मार्क्स का आप हो गया। प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में भी BCA से जो ना प्रोफेशनल होते हैं तो आपको पता ही होता है जन, तो आप हो सकते हैं 8 मार्क्स इधर, 48 56 मार्क्स, यानी आपका क्वालिफाइंग पेपर 40 मार्क्स में है, और आपको 56 मार्क्स जो है ना आपको जो है ना अच्छे से आप अगर कर लेते हैं तो एग्जाम में 40 मार्क्स से आप आगे लाके पास कर सकते हैं। अदर जो है ना और सभी पेपर बचते हैं उस समय भी आप जो है ना 50% भी अगर पढ़े हुए हैं या थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इजी वे में एग्जाम पास कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ना वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो दूसरा भी वीडियो देखिए। अगर वो जो है ना वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में जो है ना शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक वीडियो जो है ना अधिक से अधिक पीपल तक या अपने फ्रेंड तक पहुंच सके। और ये बेसिकली जो है ना ये चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड या प्रैक्टिस में जो है ना लॉयर गए हुए न्यू लॉयर जो है ना, तो उसके लिए बेसिकली ये वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे से अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।